सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस बारे में बात करूँगा आपसे, वो रिसेंटली मैंने कुछ बल्ब्स ऑनलाइन परचेज की थी, उसकी वीडियोज़ भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं। तो आज मैं वो बल्ब्स ग्रो करने लगा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इनको शेयर किया जाए। मैंने कुछ दिन पहले ये ली थी बल्ब्स, एक ऑनलाइन वेंडर्स हैं उनसे, जिसमें लिलियम है और केला लिली थी, ये दो तरह के ली थी मैंने। तो ये लिलियम की दो वैरायटीज़ मैंने ली थी और केला लिली का एक वैरायटी का मैंने बल्ब परचेज़ किया था ऑनलाइन। तो ये अभी मैं आज इनको ग्रो कर रहा हूँ। तो पहले मैं ये लिलियम को निकाल लेता हूँ इसके पैकेज में से। इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं स्प्राउटिंग भी हुई हुई है, बल्ब के साथ से काफ़ी मैच्योर हो रहा है ये इसकी स्प्राउटिंग। तो ये मैं अभी इसको लगाऊंगा, तो ये ऑलरेडी इसकी टॉप पे ब्लूम भी आती है, तो ये ग्रो कर रहा है ऑलरेडी। तो ये अभी मैं इसको सॉइल में लगाऊंगा, ये आपको मैं क्लोज में दिखाता हूँ। ये आपको देख सकते हैं कितनी इसकी हेल्दी ग्रोथ हो रही है ऑलरेडी विदाउट सॉइल। तो ये अब परफेक्ट टाइम है इसको लगा लेना चाहिए, बजाय इसके डिले करने के, तो इसकी जो हेल्थ अगर मुतासर हो सकती है। तो ये मैंने पॉट लिया है, तो इसमें मैं इसको लिलियम को लगा लूँगा। सॉइल मैंने बिल्कुल पोरस ली है, और बल्ब्स को तो वैसे भी पोरस सॉइल ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर वाटर लॉकिंग होगी, ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी, तो बल्ब्स रॉट भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपने ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये जो नीचे डेड रूट्स हैं वो मैं थोड़ी सी पिंच कर दी हैं, तो इसको सेंटर में, ये तकरीबन 8 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं ये एक बल्ब लगाऊंगा लिलियम की। तो सॉइल आपने लेनी है पोरस, और ड्रेनेज का बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि ड्रेनेज आपने अच्छी रखनी है। तो ये बल्ब मैंने सेंटर में रख ली है, और जो ये स्प्राउटेड एरिया है वो थोड़ा सा सरफेस से ऊपर रख लिया है। तो अभी मैं साथ साथ में सॉइल डाल रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ बल्ब को प्रॉपरली। तो सॉइल में जो है सैंड भी मिली हुई है, और रेगुलर जो रूटीन की सॉइल होती है वो भी है, जो पॉटिंग मीडिया है उसमें। तो ऊपर मैं साथ में थोड़ी सी कंपोस्ट भी डालूंगा। तो ये मैं बल्ब को अच्छे से कवर कर लेता हूँ पहले, और ये साथ में कंपोस्ट भी मैंने रखी है। तो टॉप सॉइल के साथ में ऊपर ये कंपोस्ट की भी एक लेयर डाल रहा हूँ, ताकि न्यूट्रिशन वाइज सॉइल जो है रिच रहे। तो लिलियम को जो है फुल सन चाहिए होता है, इसको तो रखना मैंने फुल सन में है। तो फिलहाल ये मैंने कंपोस्ट भी डाल दी है इसमें अच्छे से, ताकि सॉइल जो है न्यूट्रिशन वाइज सही रहे, और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो इसके साथ स्टेकिंग भी करूँगा। फिलहाल तो ये एक बल्ब इसकी लिलियम की एक वैरायटी मैंने लगा दी, और साथ में ये देख सकते हैं मैंने एक टैग भी रखा हुआ है, उस वैरायटी का नाम मैंने उसके ऊपर मेंशन कर दिया, परफेक्ट जॉय के नाम से लिलियम का। तो ये आप अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी याद दहानी के लिए आपको पता रहे कि कौन से पॉट में कौन सी वैरायटी लगा रखी है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप साथ टैगिंग भी कर दें। तो ये मैंने इसके साथ इसको टैग को अटैच कर दिया है, और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं टैग, ख़राब नहीं होते, प्लास्टिक इनकी बड़ी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है, पानी या धूप से ख़राब नहीं होती। अलबत्त ये कि मार्कर, आप परमानेंट मार्कर यूज़ करें तो वो भी अक्सर धूप और बारिश की वजह से थोड़ा सा फेड हो जाता है राइटिंग उसके ऊपर से, लेकिन कोई नहीं, वो आप दोबारा से भी उसको लिख सकते हैं। तो ये केला लिली के भी अब मैं बल्ब निकाल लेता हूँ, इसकी जस्ट मैंने एक बल्ब मंगवाई, थोड़ी एक्सपेंसिव मिली है मुझे। तो ये आप देख सकते हैं केला लिली की बल्ब इस तरीके से है, और ये हल्के हल्के देखें आप स्प्राउट्स भी आपको दिख रहे होंगे टॉप पे। तो ये इसकी जो टॉप सरफेस है ये है, जहाँ से ये स्प्राउट्स इसके आपको विजिबल हैं, आईज बनी हुई हैं। तो ये जिसकी बेस है, तो बेस वाली साइड नीचे रखेंगे हम लोग, रूट्स वाली साइड, और जहाँ से स्प्राउट्स आपको विजिबल होंगे तो ये साइड अप साइड रखेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है या इस तरीके से आईज़ जिस पे, जिस तरह ये भी आप आपको दिखाई दे रही होगी, अगर इस तरीके से नहीं है तो आप थोड़ा सा बल्ब को या कॉर्न को थोड़ा सा साइड वे में लगाएंगे,
ताकि जहाँ से भी होगा वो स्प्राउट ऊपर की साइड पे खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा सा साइड पे करके बल्ब को लगाएंगे, थोड़ा सा साइड वाली उसको बेस रख देंगे और फिर उसको कवर कर देंगे सॉइल से। तो इसमें तो आइज़ नज़र आ रही थी इसलिए इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये अब मैं उसके ऊपर केला लिली को मैं कवर कर रहा हूँ सॉइल के साथ। बल्ब्स को शुरू में पानी बहुत कम देना होता है, जब तक कि आप प्रॉपर उसकी ग्रोथ स्टार्ट ना देख लें तब तक आपने पानी बहुत कम देना है, हल्का सा स्लाइटली मॉइस्ट रखना है, क्योंकि बल्ब का ये बहुत सेंसिटिव केस होता है कि वो रॉट हो सकती हैं ग्रोथ से पहले अगर उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा। तो इतना ही रखना है कि हल्का फुल्का सा वो डैम्प रहे मिट्टी जो पोटिंग सॉइल है। तो ये अब मैंने वैरायटी का नाम भी इसका ऊपर लिखा हुआ है, केला लिली मनीला सीडलिंग्स नाम से। तो ये मैं इसमें लगा देता हूँ। ये इस तरीके से ये अब मैंने लिलियम भी लगा दिया और ये साथ में केला लिली का भी। इसके भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, अर्ली समर में ग्रोथ करते हैं बहुत अच्छे से और उसकी फ्लावरिंग होती है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। केला लिली को मैं फर्स्ट टाइम ग्रो कर रहा हूँ, अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैं इन फ्यूचर मज़ीद इसके कलर्स भी मंगवाऊँगा। बहुत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं और बहुत वाइड रेंज होती है इनके कलर्स की, हर कलर में तकरीबन इनकी फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये लिलियम की दूसरी वैरायटी जो है ये भी अब मैं लगाने लगा हूँ। तो ये भी ऑलरेडी स्प्राउटेड है, आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ विदाउट सॉइल ही कितनी अच्छे से हो रही है। तो नीचे साथ साथ मैं डेड रूट्स को थोड़ा सा पिंच कर रहा हूँ ताकि वो रॉट होने का अंदेशा ना रहे और क्लियर रहे सारा इनका रूट्स का सिस्टम। तो अब ये थोड़ा सा साइड वे में ग्रोथ हुई हुई है इसकी, तो इसको मैं थोड़ा सा बल्ब को थोड़ा सा टिल्ट करके रखूँगा ताकि ये इसकी डायरेक्शन जो है प्रॉपरली अपवर्ड हो सके, क्योंकि लाइट की तरफ ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अब ये मैं सॉइल इस पर डाल रहा हूँ साथ साथ बल्ब को प्रॉपरली कवर कर रहा हूँ। और अगर आपको लगे कि बहुत टॉल जा रहे हैं ये लिलियम के बल्ब, तो आप साथ में स्टेकिंग भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेक बैम्बू स्टेक रख के या कोई भी इस तरह से उसको टाई कर लें स्टेम को, ताकि जो हवा से है वो गिर ना जाए, टॉप हैवी होके प्लांट गिर ना जाए पॉट। तो ये अब मैं कंपोस्ट भी ऊपर डाल रहा हूँ हल्के से, इसको ये प्रेस कर रहा हूँ जेंटली ताकि ये जो है एयर पॉकेट्स जो हैं इसमें से ख़त्म हो जाएं। इसको टैप कर देना हल्के से ताकि एडजस्ट हो जाए और प्रॉपरली जो बल्ब है वो कवर हो जाए। तो इसमें मैं एक ही लगाऊंगा। अब ये सारी जो इसके हिसाब से वैरायटी का है कोल्ड प्ले के नाम से लिलियम, तो ये भी मैं इसके साथ टैग लगा रहा हूँ। ये अब इसके साथ मैं लगा दूँगा बिल्कुल साइड पर ताकि बल्ब भी डैमेज ना हो और टैग भी लग जाए। ये इस तरीके से मैंने अभी ये दूसरी वैरायटी भी लिलियम की लगा दी है। इसकी जो भी अपडेट रहेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो थोड़ी थोड़ी सॉइल में बाकी जो अगर मुझे लग रहा है कि कमी रह गई है सॉइल पूरी ऊपर टॉप तक नहीं आई तो ये मैंने डाल दी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये तीनों वैरायटीज जो हैं दो लिलियम की और एक केला लिली की ये मैंने लगा दी हैं इस तरीके से। तो इनको मैं रखूँगा अभी धूप में, क्योंकि ये तीनों दोनों जो वैराइटीज़ हैं लिलियम की भी हो गई और केला लिली की भी होगी तो ये फुल सन में अच्छे से ग्रो करते हैं। केला लिली को भी जो है सन रिक्वायर्ड होता है फ्लावरिंग के लिए और लिलियम को भी। तो ये अभी हल्का सा मैं इसके ऊपर मिस्टिंग कर रहा हूँ, शावर कर रहा हूँ ये पानी ताकि जो सॉइल है थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं देना पानी, इतना देना है कि हल्का सा वो नमी आ जाए सॉइल में, भर के पानी नहीं देना। लिलियम में अभी आप थोड़ी दे सकते हैं क्योंकि वो उसकी ऑलरेडी ग्रोथ स्टार्ट हुई हुई है, लेकिन केला लिली में बहुत कम पानी देना है क्योंकि अभी उसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। तो ये इस तरीके से आप जो है लिलियम और केला लिली को ग्रो कर सकते हैं।
जो भी इसकी अपडेट रहेगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।